ये तस्वीर बिहार के दरभंगा का है। बिरोल प्रखंड के रोहार महमूदा पंचायत के महमूदा गांव के लोग इन दिनों दहशत के साए में जी रहे हैं। कब किधर से सांप आ जाए और डस ले, इसे लेकर हमेशा भय बना रहता है। इसे लेकर ग्रामीणों में तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही है। कोई लोग इसे नाग देवता का क्रोध का परिणाम मान रहा है, तो कोई किसी जादू टोना करने वाला या तांत्रिक की करतूत कह रहे हैं। अधिकांश लोग इसे तंत्र मंत्र का प्रकोप मान रहे हैं। इससे मुक्ति पाने के लिए ग्रामीण अनुष्ठान कराने की योजना बना रहे हैं। दरअसल सर्पदंश का दो दिनों के भीतर आधा दर्जन लोग शिकार हो गया है, जिसमें तीन की मौत हो गई है। मृतकों में दो बच्चे समेत एक किशोरी शामिल है। इसमें गांव सहित आसपास के इलाके में सनसनी फैली हुई है। बता दें कि तीन दिन पूर्व 30 मई को जहरीले सांप ने सबसे पहले लगभग सुबह 8 बजे प्रिंस कुमार को डस लिया। परिजन द्वारा इलाज के लिए डीएमसीएच ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद उसी दिन कुमारी श्वेता शाम लगभग 7:30 बजे घर में चौकी पर बैठकर नीचे पैर झुला रही थी। इसी दौरान उसके पैर में सांप ने काट लिया। घर के लोगों को सांप काटने की बात कहने पर परिजन इलाज के लिए उसे बिरोल सीएससी में ले गया, जहां स्थिति बिगड़ते देख चिकित्सकों ने उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया। परिजन एम्बुलेंस से इलाज के लिए डीएमसीएच ले जा रहे थे, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका श्वेता का दूसरा दिन जब दाह संस्कार किया जा रहा था, उसी समय लोगों को खबर मिली कि राखी कुमारी को खाना बनाने के दौरान सांप ने डस लिया है और परिजनों द्वारा उसे बेनीपुर अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया। स्थिति गंभीर होते राखी को डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। डीएमसीएच में चिकित्सक ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। इसी बीच सांप ने तीन लोगों को डस लिया। इसमें मंटून यादव की 27 वर्षीय पत्नी रिंकी देवी, ठक्को यादव की 45 वर्षीय पत्नी राम कुमारी देवी और नवीन पंडित के 16 वर्षीय पुत्री शामिल है। हालांकि तीनों की स्थिति में सुधार होने की बात चिकित्सकों ने डिस्चार्ज कर दिया है। इधर एक के बाद एक सर्पदंश से हुई मौत से ग्रामीण समेत आसपास के इलाकों में लोगों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। आलम यह है कि लोगों की आंखों की नींद उड़ गई है। ग्रामीणों के अनुसार किसी ओझा गुणी भगत के द्वारा तंत्र मंत्र कर भूसप्पा सांप को छोड़ दिया गया है, जिसकी चर्चा भी गांव में हो रही है, जिसके काटने से लोगों की जान जा रही है। वहीं कुछ लोग गांव पर नाग देवता के क्रोधित होने की बात भी कह रहे हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए गांव में नाग देवता की पूजा कराए जाने की बात कही जा रही है। फिलहाल इस घटना से लोग सहमे हुए हैं। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों की इस बात से माने तो सांप के डसने से तीन की मौत हो चुकी है। इसके चलते पूरे गांव में दहशत बना हुआ है। बच्चों का स्कूल जाना बंद है। ग्रामीण एक साथ हाथों में लाठी लेकर गांव और खेतों में घूम घूम कर सांप को तलाशने में लगे हैं। हालांकि वन विभाग से सहयोग से यह काम आसानी से हो सकता है, लेकिन सरकारी अमले का अभी तक कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। रात भर लोग जाग रहे हैं। वहीं इस मामले में दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन ने बताया कि यह मामला वन विभाग को इसकी जानकारी दीजिए, डीएफओ की टीम मुआयना कर सांप पकड़ने का काम करते हैं, वो लोग कर लेंगे। हालांकि जल्द ही गाँव वालों को इससे निजात मिल जाएगी। साथ ही लोग अफवाह न फैलाएं और न ही अफवाहों पर ध्यान दें। डर और दहशत में जीना कितना मुश्किल होता है। लोग पल पल मर रहे हैं और वन टीम अभी तक इस गांव तक नहीं पहुंचा है। हालांकि कुछ ग्रामीणों ने कहा है कि अब तक आधा दर्जन सांपों को लोगों ने भी मारा है। ऐसे में सांप के काटने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग इसे इच्छाधारी नाग और नागिन के रूप में देख रहे हैं। हकीकत कुछ भी हो, मगर पूरा गाँव दहशत में दिन रात गुजारने को मजबूर है। ग्रामीण ने बताया कि यह सांप इच्छाधारी भी हो सकती है। अब लोगों ने ब्रह्म स्थान में जाकर विषहर का वहां पर अर्जी लगाई है। उसके अर्जी लगाने के बाद लोगों का ये मानना है कि अब जो है सांप जो है वो जो काटने का मामला है, जो डसने का मामला है, उसमें कहीं ना कहीं अब कमी आएगा। भगवान नाराज है, उसे मनाने के लिए पूरे गाँव एकजुट होकर एक साथ ब्रह्म स्थान पर खड़े हैं। दरभंगा जिला के बिरोल में है और बिरोल के महमूदा गाँव में है। तीन दिनों से एक खबर आ रहा था कि इस गाँव के अंदर सांप के काटने से तीन लोगों की मौत की खबर आई। पता चला यहाँ आने के बाद एक और लोगों की मौत हो गई है सांप के काटने से, और कई लोगों को सांप ने डसा है, जिसको लेकर स्थानीय अस्पताल में इलाज कराने के बाद उनको हालांकि अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। लेकिन पूरे गांव में एक दहशत का माहौल है। गाँव में तरह तरह की चर्चाएँ हैं। चर्चा इस बात को लेकर है, कुछ लोगों का कहना है कि नाग देवता नाराज हो गए हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि इस गाँव में जादू टोना का कुछ असर हुआ है। कुछ लोगों के मुंह में अलग अलग जुबान से अलग अलग तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। जब ग्राउंड जीरो पर हम आए, इस गांव में पहुंचे, तो ब्रह्म देव स्थान के पास जैसे हम पहुंचे, यहां इस गांव के तमाम लोग हमको मिल गए। हमने कई लोगों से ये जानकारी लेना चाहा कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या हुआ कि एक के आदमी एक ही दिन एक सांप के काटने से कैसे तीन लोगों की मौत हो जाती है। संजय जी, कैसे सांप के काटने से एक गांव के अंदर तीन लोगों की मौत हो जाती है? जैसे पता चला कि इस गांव के अंदर एक बच्चे को
बच्चे को सांप काट लिया था, उसको अस्पताल ले गया, वहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है और जैसे ही उसका दाह संस्कार खत्म होता है और जैसे ही दाह संस्कार के बाद लोग घर वापस आते हैं, खबर आती है कि एक और आदमी को दांत सांप काट लिया है, वो भी एक और बच्चा होता है, उसके भी सांप काटने से मौत हो जाती है। और इसी तरह ये सिलसिला लगातार जारी है, देर रात तक ये सिलसिला जारी रहा। हालांकि अब से जैसे हम इस गांव पहुंचे हैं, यहां के लोगों से जब हमने बातचीत किया तो लोगों का कहना है कि अब ये मामला में थोड़ा स्थिर हुआ है। हालांकि नाग देवता हकीकत में नाराज थे या फिर कोई जादू टोना वाला असर था, या जब हम गांव पहुंचे यहां के कुछ महिलाओं से मिले तो गांव के भाषा में उसे भुसप्पा कहते हैं, जिसे भेजा हुआ सांप कहते हैं, ऐसा भी कुछ लोगों के जुबान में चर्चा था। और उसको लेकर अब ब्रह्म स्थान पर हम आए, यहां तमाम लोग मौजूद है इस गाँव के, और अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर पूजा पाठ किया जा रहा है, नाग देवता की भी पूजा होगी और ब्रह्म स्थान में तमाम गाँव के लोग इकट्ठा हुए हैं। ये तमाम लोग देख सकते हैं, ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या नाम है आपका? ब्रिज किशोर झा। क्या हुआ है आपके गांव में, क्या कुछ मामला है? हमारे गांव में कुछ एक हफ्ता से कुछ संकट आ गया है, जो कुछ नाग देवता का उनका प्रकोप जो बच्चे सब का ये है वो उनका अंत हो गया है उनके कारण। तो हम लोग ये सबसे हमारे सहाय हैं ब्रह्म बाबा, तो इनके अर्जी लगाए हैं, अर्जी के लिए हम लोग सब हैं यहाँ, ब्राह्मण कुमार कन्या जितने सब आदि सबको खिलाने के लिए। और उसी के संदर्भ में नाग देवता उनको भी पूजा है, आपसे कुछ सुधार हुआ है कि नहीं गांव में? अभी तो दिने अभी कुछ सुधार है, बाबा के अर्जी लगाने के बाद, बाबा के अर्जी लगाने के बाद, अर्जी लगाने के बाद कुछ सुधार हुआ है, सुधार है बाबा की कृपा। आज तो हम लोग यहाँ ब्राह्मण कुमार इधर आइए ना, यहाँ भंडारा का भी इंतजाम है, सब कुछ है, तो वो कर रहे हैं, अब उनका कृपा होगा, बाबा की कृपा, बाबा की कृपा कल्याण करें, समझे।